विंटर वेकेशन शुरू होते ही ओरछा में उमड़ा जनसैलाब। विंटर वेकेशन के शुरू होते ही विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल ओरछा में पर्यटकों का हुजूम उमड़ने लगा। हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक ओरछा पहुंचे। आज रविवार के चलते ओरछा की सड़कों पर अब पर्यटक पहुंचे, तब जगह जगह जाम की स्थिति बनी। ओरछा में स्थित राम राजा सरकार का मंदिर, जहाँ पर भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है, उनको देखने के लिए श्रद्धालु पहुँच रहे थे। तो वहीं ओरछा में मौजूद जहांगीर महल, राजा महल, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर को देखने पर्यटक भी आ रहे थे। और इसके साथ साथ प्रकृति की प्रेम लोग ओरछा की नदी के किनारे और अभयारण्य का लुफ्त उठा रहे थे। श्री राम राजा मंदिर के साथ साथ और बाकी के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के आने और जाने का सिलसिला थम नहीं रहा था। यही कारण है कि ओरछा की धरोहर को देखने के लिए लगने वाले टिकट की संख्या में रिकॉर्ड बिक्री हुई। विंटर वेकेशन शुरू ही हुई है और यह सिलसिला 2 जनवरी तक चलने का अनुमान है। ओरछा के बारे में हमने सुना था कि ओरछा धार्मिक नगरी है और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत स्थल है। और जैसा कि मैं आया और घूमा तो देख के उससे भी ज़्यादा, जैसा सुनने को मिलता था उससे भी ज़्यादा और खूबसूरत जगह लगी। और चूँकि आज संडे का दिन है और विंटर वेकेशन भी है, तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पर्यटक, और यहाँ मतलब आज का दिन काफ़ी खुशनुमा माहौल है और बहुत सारी भीड़ आई है। हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग घूम रहे हैं और बहुत ही चारों तरफ एकदम खुशी का माहौल, पर्यटक, और बहुत बढ़िया शानदार जगह लगी और बहुत अच्छा लगा है मुझे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी कितनी क्राउड चल रहा है, तो टिकट के हिसाब से अगर बात करें तो करीबन 1,500 लोग अभी आ चुके हैं और शाम तक अनुमान है कि 2,500 तक आ जाएंगे। बाकी स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं जो फ्री है, और भी तरह से लोग आते हैं, तो मान के चले 3,500 तक आज लोग विजिट कर लेंगे।